Welcome to a very special interview with a very special man. Neeraj Chopra is a dear friend, but one of India's greatest athletes, and I'm on record today to say he's India's greatest athlete of all time. Last time when I wrote this, he called me at 1 a.m. saying, "Aap kyun likh rahe? Main abhi likh sakta hoon." Two consecutive Olympic medal, Diamond League, World Championship, Asian Games. Ye consistency kahan se aata hai? Ek bhi competition aise nahi gaya jahan Neeraj Chopra podium finish nahi kiya. नहीं बिल्कुल जी, सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा रहा ओलंपिक्स और सीजन बेस्ट हुई, क्वालिफिकेशन राउंड में भी और फाइनल में भी। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था ऑल ओवर देखे तो, मतलब अभी तक की हिस्ट्री का मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कंपटीशन था जेवलिन हिस्ट्री का। और वही है, मेहनत काफ़ी कर रहे थे इसके लिए और पेरिस ओलंपिक का पहले से ही था कि हाँ अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छा रहा, मतलब तैयारी भी अच्छी चल रही थी, बस थोड़ी सी रुकावट आई वो ग्रोइन की वजह से, पर जिस तरीके से सीजन बेस्ट थ्रो लगी और परफॉर्मेंस रही तो काफी अच्छी थी। इंजरी जो आपने कहा है, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, मैं देख रहा था कि आप शायद सर्जरी भी लग सकता है, थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को कि बिकॉज हमारे देश में उतना हम समझते नहीं है कि एक जैवलिन थ्रोअर के लिए इंजरी मैनेज कर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये क्या है कि जब हम रनिंग करते हैं और जो क्रॉस स्टेप होते हैं तो उस टाइम पे पूरा जो है एफर्ट ग्रोइन पे आता है, और जब हम थ्रो करते हैं तो काफ़ी एफर्ट आता है उस पर, तो अगर वो 100% फिट नहीं है तो जो एक एफर्ट लगना चाहिए थ्रो पे, और जैसा कि मैं बताता हूँ कि लेग्स का काफ़ी काम होता है थ्रो में, अपर बॉडी से लगता है कि थ्रो करते हैं लेकिन लेग्स अगर सही से काम ना करे तो थ्रो का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये पिछले साल ही हम कुछ डॉक्टर्स से मिले थे, वो तो उन्होंने MRI वगैरह करके देखा था, तो यही एक डिसीजन हुआ था उनका कि शायद से सर्जरी करना पड़े, और वो मेरा डिसीजन था कि मुझे क्या करना है उस टाइम पे। तो इस चीज़ के बारे में मैंने फिर बात ही नहीं की क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी बुडापेस्ट में, और फिर उसके बाद भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि फिर पेरिस के लिए तैयारी करनी थी, तो भी फाइनली ओलंपिक्स भी ख़त्म हो, मतलब मेरा इवेंट ख़त्म हो चुका है, और अभी इस बारे में एक बार फिर से चेकअप वगैरह करवा के देखेंगे कि क्या क्या करना है और कैसे हो सकता है, और मेरी टीम भी साथ में रहेगी, और फिर इसके बारे में बाद में डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। दिनेश फोगाट, आप दोस्त हो उनका, एक सिल्वर मेडल कंफर्म हो गया, उसके बाद 100 ग्राम ये पेन का वजन, प्लीज। बिल्कुल, देखो ये तो हमेशा बात होती है जैसे हमारी भी कि रेसलर्स के लिए, बॉक्सर्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है वेट का, और वो मतलब पर्सनली मुझे देख के बहुत ही अजीब फील होता है तब जब सभी डाइनिंग एरिया में खाना खाने जाते हैं या सभी अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और रेसलर्स और बॉक्सर्स अपना वेट घटा रहे होते हैं सोना सूट पहन के, और वो तो जिस तरीके से विनेश जी ने शुरुआत की स्टार्टिंग में ही यूई सुसाकी को हरा के, और फिर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे तो मतलब सबको सिल्वर के में सबको गोल्ड ही लग रहा था, क्योंकि यूई सुसाकी को हराना इसका मतलब आपका गोल्ड ऑलरेडी हो गया है, तो वो माइंडसेट और वो ट्रेनिंग जो है उनकी उस लेवल की थी इस बार, पर वही है पता नहीं, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, सब कुछ अच्छे से रहे, और पता नहीं फिर भी शायद से वो इस लेवल पे आके वो 100-150 ग्राम अटक गया कि उसके बाद कोई चांस ही नहीं बचा था, और वो शायद ज्यादा रिस्क हो जाता कि अगर और कोई डिसीजन लेते तो उन्होंने पूरी कोशिश की, बाल भी काटे या जो भी डिसीजन लेने थे वो लिए, पर पता नहीं ये बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार वो डिजर्व करते थे यहाँ पे जीतना, और नहीं मेरी अभी तक बात नहीं पाई लेकिन वो डिजर्व करते थे, और जिस तरीके से उनकी पिछली जर्नी रही है ओलंपिक्स की तो वो उससे और ज्यादा मन करता है कि यार नहीं वो उनका सब अच्छे से होना चाहिए था। मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, शर्मिष्ठा के नाश अगेन, ये हम लोग इंडिया पाकिस्तान बना देते हैं, एक्चुअली है नहीं, ये 10 एथलीट 12 एथलीट वर्ल्ड का टॉप 12 बेस्ट एथलीट चैंपियन फेंक रहे थे, जूलियन वेबर 87 फेंक रहे हैं, एंडरसन पीटर्स फेंक रहे हैं, जाकूब फेंक रहे हैं, सो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए, इट इज नॉट इंडिया पाकिस्तान, ये तो कर ही देते हैं, तो जब मैच जीतता हूँ तब भी होता ही है, अभी उनको मौका मिला है तो ये चीज पता नहीं, मैं बोलूंगा भी तो शायद लोग नहीं मानेंगे, ये तो होना ही है,
हाँ, पर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि फिर से दोबारा होंगे, पहले भी हम काफी कंपटीशन खेल रहे हैं साथ में और आगे आने वाले टाइम में भी खेल लेंगे। तो ये स्पोर्ट्स है और कोई भी हमारा एक दिन फिक्स नहीं है कि ये दिन हम ही जीतने वाले हैं या अरशद ही जीतने वाला है। नॉर्मली हम सबको पता है कि 2016 से मैं और अरशद कम्पीट कर रहे हैं और आज मतलब कल पहला ऐसा टाइम हुआ कि अरशद मेरे साथ कम्पीट कर रहा है और जीता है और काफी अच्छे लेवल पे भी, और जिसने हार्ड वर्क किया है और उसने अच्छी थ्रो लगाई है तो वो सभी को मानना पड़ेगा कि हाँ थ्रो अच्छी थी और जिस तरीके से हमने भी तैयारी की थी तो मेरे तैयारी के हिसाब से और मेरी जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से मेरी भी सीजन बेस्ट लगी है। तो कंपटीशन काफी टफ था, बस ये है कि हाँ अरशद के लिए बहुत अच्छा दिन था और शायद हमारे लिए उतना अच्छा नहीं था क्योंकि बिलीव मुझे भी था कि हाँ शायद से आज वो दिन है कि मैं वो जो थ्रो आज तक नहीं निकल पा रही वो निकलेगी, पर कोई बात नहीं, शायद से और कुछ प्लान होगा। नीरज एक बात बताओ, हमारे देश में हम लोग इस ओलंपिक्स के पहले द्वारा क्या बताओ, हम लोग वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू एट ओमेगा हाउस, आई हैव बीन टू ओमेगा हाउस इन लंदन, रियो, टोक्यो एंड हियर, नीरज वाज देयर इन टोक्यो इन अ डिफरेंट अवतार। ओमेगा हाउस इज ब्यूटीफुल, इफ यू आर इन पेरिस यू मस्ट कम हियर। एक बात बताओ, ओलंपिक्स के पहले जब मैं और आप बात कर रहे थे एक्चुअली उम्मीद था 10 मिनट का, शायद वो हो नहीं पाए, 6-7 एथलीट्स 4th प्लेस फिनिशेस, और इसके बाद एक लैश आउट होता है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, 4 साल बाद दोबारा ओलंपिक आएगा। हमें जर्नी के साथ रहना चाहिए, एथलीट के साथ रहना चाहिए, कल्चर के साथ रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? मैं वही बोल रहा हूँ जी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमने टोक्यो में इतने जीते थे तो अभी इतने क्यों आए, शायद से मेडल और ज्यादा हो जाते लेकिन जिस तरीके से हमारी 4th पोजीशन रही वो शायद से वो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने भी, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देख के तो काफी एथलीट्स की बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो बैडमिंटन है, बॉक्सिंग में भी काफी अच्छी रही, शूटर्स ने इस बार बहुत ही अच्छा किया, ऑल ओवर स्पोर्ट में काफी परफॉर्मेंस और काफी जूनियर एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया, तो ये साइन है कि चलो कोई बात नहीं, हम शायद से मेडल के मामले में हम टोक्यो के साथ कंपेयर नहीं कर पाए लेकिन जिस तरीके से हमारा फ्यूचर दिख रहा है तो वो काफी ब्राइट है और जूनियर एथलीट्स का जो माइंडसेट है ओलंपिक लेवल पे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मनु का टोक्यो में एक्सपीरियंस रहा था उसके बाद जो मनु ने कमबैक किया, या इस बार निशांत का या लक्ष्य का आप मान लो जो एक्सपीरियंस रहा उसके बाद डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा कमबैक करेंगे और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो के आएंगे। और भी काफी एथलीट्स हैं जो अपने काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे गए हैं, तो वही है शायद से अब यहाँ पे थोड़े टोक्यो से कम रह गए, आगे आने वाले ओलंपिक्स में क्या पता और ज्यादा तगड़े हो जाएं। सबसे मेन बात है कि फाइट कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ कम्पीट कर रहे हैं, उनको कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और मेडल्स तो जी कोई बात है, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि दिन ही डिपेंड करता है, जिसका दिन होता है वो ले जाता है और बड़े से बड़े चैंपियन भी रह जाते हैं। इसमें खत्म करते हैं, वंस अगेन ऑन दैट नोट, नीरज चोपड़ा, नाउ आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड, शायद ये रात में मैसेज नहीं करेंगे कि मत लिखना, नीरज चोपड़ा इज द ग्रेटेस्ट इंडियन एथलीट ऑफ ऑल टाइम, एंड आई हैव रिटन सचिन्स बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी विद दैट नॉलेज, क्रिकेट एंड ओलंपिक स्पोर्ट, दिस मैन इज द बेस्ट वी एवर हैड, एंड अ स्टेट्समैन फॉर इंडियन स्पोर्ट, यू कैन टेक इंडियन स्पोर्ट फॉरवर्ड। वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीरज, थैंक यू।